साथियों स्वागत है आपका फिनिक्स नगरी उन्नाव नगरी में। साथियों जबरदस्त तरीके से आप हमसे पढ़ रहे हैं डेली शाम को 7 बजे। एक लूसेंट का बेहतरीन अध्ययन, बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन विश्लेषण। तो सभी साथियों से बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको भाई साहब नसों में लूसेंट उतर रही हो तो उसको खून की तरह फैला दो, खून की होलियां खेल दो, इस लूसेंट को भाई साहब सभी के भाई साहब दिलों में पहुंचा दो। और आज है दक्षिणा देने का दिन, मतलब लेक्चर नंबर 51 लूसेंट का। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है, जिंदा पीर मतलब औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा मजेदार, बिल्कुल आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति कराने वाला। तो सब बच्चों ने लाइक ठोक दो, शेयर ठोक दो, सब कुछ ठोक दो, फिर हम ठोकेंगे औरंगजेब के सारे कंटेंट को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से सब बच्चे आ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मेरी तबीयत फर्स्ट क्लास, चौकर छक्कास, एकदम मस्त बिंदास। ठीक है, क्यूटी क्यूटी प्राची, बेटा क्यूटी की जगह तो पाउडर प्राची लिख लेते बेटा, क्यूटी प्राची क्या है ना। चलो फिर आगे कुमार आर्यन गोल, गुड इवनिंग। हरिमोहन रावत, मॉनिटर जी राजेश जी को ब्लॉक कर दो बिल्कुल। वैष्णवी अग्निहोत्री को सबसे पहले तो भाई साहब मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ऐसी बिटिया जो पढ़ाई के साथ साथ एक टीचर की भी मदद कर रही पढ़ाने में, जितने भी अराजक तत्व हैं उनको धुड़ुम 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 मचा है। और यहाँ पे एक बालक इतना परेशान है, कह रहा है उन्नाव किस शहर में पढ़ता है। मन तो करता भाई साहब कमर पे कट्टा जो लगा ना चला दूं इसके ऊपर। पूछ रहा है उन्नाव किस शहर में पड़ता है। भाई साहब उन्नाव खुद एक शहर है, उत्तर प्रदेश का जो जिला है, उत्तर प्रदेश के जिले में उन्नाव ही शामिल है। उत्तर प्रदेश में सबको पता है 75 जिले आते हैं, और 75 जिलों में एक ऐसा जिला जहां पे आजाद की धरती के नाम से जाना जाता है भाई साहब, जहां पे एक बेहतरीन, आप सबको पता होगा, चंडिका देवी माँ का मंदिर है, जहां पे पूरे विश्व में सोना के लिए प्रसिद्धि हासिल होती, वो है अपना उन्नाव, हमारा उन्नाव। और उन्नाव से प्रतियोगी छात्रों को तैयारी करवा रहा मुफ्त में एक ऐसा चैनल फिनिक्स एकेडमी, फिनिक्स एकेडमी। तो साथियों चालू किया जाए क्लास, बहुत बढ़िया जबरदस्त, सारे बच्चे आ गए मजेदार। तबियत कैसी है? तबियत चौकस झक्कास, एकदम पलटूस फाड़ू। ठीक है, चलिए चंदन राज सर आपका फैन हो गए सर, फर्स्ट टाइम मिले, लाइव मिले आप, बहुत लेसन लूसेंट का डाउनलोड करके पढ़ाओ। थैंक यू चंदन बेटा, फैन मत हो वरना मुझे एसियां भी बनवानी पड़ेंगी कुछ। ठीक है, कुछ कूलर, कुछ एसियां भी बनवानी पड़ेंगी। चलिए तो कब से लाइव चल रहा है? लाइव बेटा अभी चालू हुआ है। चलिए बात करते हैं औरंगजेब के बारे में जबरदस्त तरीके से, शुरू किया जाए सेशन को जरूर। उर्वशी कुमारी बिटिया आपका भी नाम ले लिया, ठीक है, खुश रहो। चलिए आवाज ठीक से नहीं आ रही है, अगर आवाज अब भी नहीं आ रही होगी ना तो बेकार है। चलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही होगी बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से। गौरव हैंडसम सर शुक्लागंज से हैं, चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त मजेदार चौकस झक्कास। आवाज आ रही होगी बड़े बड़े तरीके से। अच्छा इको प्रॉब्लम था, अब तो इको प्रॉब्लम, इको पीको कुछ नहीं है, अब तो इको पीको कुछ नहीं होगा भाई साहब, सिर्फ पढ़ाई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चे आ गए तो देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब कितना प्यारा नाम है, कहीं मोरंगजेब ने रखा इनका नाम, अगर मोरंग जेब रख देते ना तो भाई साहब सिंपल सी बात है, जेब में मोरंग भरने वाला व्यक्ति था, तो औरंगजेब। ठीक है, तो बात समझना बहुत ध्यान से, जो औरंगजेब है तो नाम देखो, मैं किसी का मजाक थोड़े उड़ा रहा यार, वैसे मेरा नाम है, मेरा नाम राघव है, सब लोग कहते माधव, ठीक है, तो कहने का मतलब है नाम हम से कोई लेन देन नहीं है, तो अपना अपना है भाई साहब, हम इंडियन हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया,
जबरदस्त भाई साहब, बहुत अच्छी तरह से आ रही है, क्या बात है, दिल खुश कर देते हो मेरे लल्ला। औरंगजेब का टाइम पीरियड कब से कब तक चला? 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? फिर बात समझना बहुत ध्यान से। औरंगजेब का जो जन्म होता है वो कहां पर होता है, तो याद रखिएगा उज्जैन। और किस वर्ष होता है, तो भाई साहब 1618 ईस्वी में, 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म होता है। तो और एक प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा था कि औरंगजेब के आगे उपाधि एक प्रकार से इसके नाम के आगे क्या लगता था, तो याद रखिएगा आलमगीर औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब। क्लियर हो गई बात? इतनी बात कंफर्म समझ में आ गया? फिर बात बहुत ध्यान समझना भाई साहब, क्या समझोगे? औरंगजेब के पिता का नाम तो पता ही होगा आपको, क्या नाम था? शाहजहां। वही शाहजहां जिन्होंने अपनी बेगम के लिए भाई साहब एक ताजमहल बनवा दिया था। तो सिंपल सी बात है, औरंगजेब की माता का क्या नाम है, तो सबको पता है अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज का पूरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और मुमताज का पूरा नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। तो क्लियर हो गई बात, औरंगजेब की माता का नाम, औरंगजेब के पिता का नाम, बड़े प्यार से समझ में आ रहा है। औरंगजेब की क्या बीबी का नाम नहीं पढ़ेंगे, वो भी तो जानेंगे, एक प्रकार से यहां पे पत्नी का नाम, और पत्नी से विवाह कब होता है भाई साहब, पत्नी कब आती है, 1637 ईस्वी में विवाह किससे होता है, तो याद रखिएगा दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम इनकी वाइफ का नाम, इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ये दिलरास बानो बेगम किस राजघराने की थी, तो याद रखिएगा फारस राजघराना, फारस राजघराना। और सबसे बड़ी बात, फारस किसका प्राचीन नाम है, फारस जो है वो भाई साहब है ईरान का प्राचीन नाम। किसका प्राचीन नाम है? ईरान का प्राचीन नाम है भाई। लाइक शेयर, अगर एक भी परसेंट कटौती हो रही है तो भाई साहब मैं तुम्हारा जीएसटी काट दूंगा, इसीलिए एक भी परसेंट लाइक शेयर में कटौती मत करना, पूरा का पूरा हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना भाई साहब तुम बस बना के रखना, फिर बात समझना, फिर बात समझना बहुत प्यार से भाई साहब। औरंगजेब ने शाहजहां की युद्धों में, कई सारे युद्धों में बहुत मदद की, बहुत मदद की। और याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब क्या करता था, औरंगजेब क्या करता था, क्या था, तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार था। तो प्रश्न बहुत प्यारा पूछा जाता है भाई साहब, औरंगजेब किसके समय दक्कन का सूबेदार बना बैठा था, तो बच्चे बच्चे को बताना है, अपने पप्पा, अपने अब्बा, अपने पिताश्री, अपने बापूश्री के समय में मैं से सूबेदार था, और सूबेदार कहाँ का था, तो याद रखना है दक्कन का सूबेदार था। कहाँ का था? दक्कन का सूबेदार था। जबरदस्त तरीके से दिमाग में बिल्कुल उतर गया होगा, समझ में भी आ गया होगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, फिर याद रखिएगा बहुत ध्यान से, क्या याद रखोगे बहुत, औरंगजेब जो गद्दी पर बैठा है ना, बहुत ही भाई साहब संघर्ष करके बैठा, कैसे पता है, उसने उत्तराधिकारी के युद्ध लड़े, उत्तराधिकार के युद्ध लड़े। उत्तराधिकार के युद्ध का मतलब जो शाहजहां के पुत्र थे, एक पुत्र का तो नाम आपको पता है दारा शिकोह, जो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र था दारा शिकोह। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, वहीं पे शाहजहां के पुत्रों में एक था मुराद, उन्हीं पुत्रों में से था एक औरंगजेब। तो इन्हीं पुत्रों के बीच में आपस में संघर्ष हुआ करता था, तो शाहजहां के
पुत्रों के बीच में जो संघर्ष हुआ करता था उसको कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकारियों का युद्ध, उसी को कहते हैं। क्लियर है? फिर भाई साहब बहुत ध्यान से समझना, जबरदस्त तरीके से। क्या समझेगे मेरे लल्ला? इसका स्क्रीन शॉट चाहिए, ले ले, फिर बात करता हूं आगे की तरफ, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले ले, तेरा इंतजार ही कर रहा हूं कि तब तू भाई साहब बटन दबाता है अपनी दब जाएगी बटन। ठीक है, चलिए मजा आ जाएगा भाई साहब, दिल न खुश कर दिया तो बताना तुमको। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे देखो भाई, आगे क्या देखोगे मेरे लल्ला मेरे बच्चा, बहुत ध्यान से। तो औरंगजेब जब गद्दी पर बैठ रहा था ना, तो बहुत ही बेहतरीन चीज थी। क्या चीज थी? तो देखिए, ध्यान देने योग्य बात है, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और याद रखिएगा, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 ईस्वी। ठीक है भाई साहब, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि यह सामूगढ़ पड़ता कहां पर है? तो सामूगढ़ पड़ता है आगरा के निकट। किसके किसके बीच युद्ध हुआ? तो याद रखिएगा, ये युद्ध हुआ औरंगजेब, औरंगजेब प्लस दारा सिकोह के मध्य, औरंगजेब प्लस दारा सिकोह के मध्य। और याद रखिएगा, ये दारा सिकोह के साथ इसका एक भाई और था, दारा सिकोह और मुराद दोनों मिलकर औरंगजेब से सामना कर रहे थे। दारा सिकोह और मुराद दोनों मिलकर औरंगजेब से सामना कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यहां पर पता क्या है? क्या है? औरंगजेब भाई साहब ये युद्ध जीत जाता है। तो इस प्रकार सामूगढ़ का युद्ध जब जीत जाता है 1658 ईस्वी में, तो औरंगजेब इस युद्ध के बाद अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। इस युद्ध के बाद अपने आप को क्या कर देता है? बादशाह घोषित कर देता है भाई साहब। सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब खुद को क्या घोषित कर देता है? तो भाई साहब खुद को बादशाह घोषित कर देता है। बड़े प्यार से याद रखिएगा, एक युद्ध हो गया, इस युद्ध में क्या होता है? औरंगजेब एक तरफ, दारा सिकोह और मुराद एक तरफ, जिसमें औरंगजेब दारा सिकोह और मुराद दोनों को हरा देता है, जिसकी वजह से क्या हुआ? तो बात बहुत ध्यान देने योग्य है। जो दारा सिकोह था, तो याद रखना, दारा सिकोह के दो पुत्र थे। तो इस युद्ध के बाद औरंगजेब क्या करता है? दोनों पुत्रों को कैद में ले लेता है। किसके दोनों पुत्रों को? भाई साहब सिंपल सी बात है, दारा सिकोह को इसने हराया है, और दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, एक प्रकार से औरंगजेब का भाई था। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब दारा सिकोह के दोनों पुत्रों मतलब अपने भतीजों को कैद में कर लेता है। और कैद में करने के बाद भाई साहब क्या हुआ? अब एक अगला युद्ध होगा जिसका नाम है देवराई का युद्ध। क्या नाम है? देवराई का युद्ध। और जो देवराई का युद्ध है, यह भाई साहब हुआ 1659 ईस्वी में। और जब 1659 ईस्वी में देवराई का युद्ध होता है, तो याद रखिएगा यह किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा, यह भी हुआ औरंगजेब प्लस दारा सिकोह। और ये देवराई का युद्ध, देवराई नामक स्थान कहां पड़ता है? तो आपको याद रखिएगा, देवराई जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। देवराई जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। गुंजन कुमार सर, कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? बेटा चल रहा है चैप्टर यहां पे होम साइंस में, रोटियां कैसे बनाई जाएंगी। होम साइंस में चल रहा है चैप्टर रोटियां कैसे बनाई जाएंगी। रोटियां गोल रहेगी, रोटियों में चित्ती पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, रोटियों में किनारे वाला हिस्सा टाइट होगा, बीच में उफान होगी कि नहीं होगी, रोटियां खाने में टेस्टी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, ये वाला चैप्टर चल रहा है। रोटियों का प्रयोग क्या हम दाल के साथ कर सकते हैं, रोटियों का प्रयोग क्या हम सब्जी के साथ कर सकते हैं, ये चैप्टर यहां पे चल रहा है। क्लियर?
गधे हो। हिस्ट्री चल रही है, औरंगजेब दिख रहा है, तुम्हारा पढ़ना लिखना निरर्थक है, बेकार है, मत पढ़ना। इतना नहीं समझे तो पढ़ना क्या तुम्हें? तो भाई साहब क्यों परेशान हो? कैब ने प्राण दिए दे रहे हो औरंगजेब को पढ़ के, जॉब भैंस चरो थोड़े दिन, फिर पढ़ो आके भाई। अजीब इंसान है। पढ़ाते रहो लेकिन किच पिच करते रहोगे, किच करते रहोगे गधों की तरह। चलिए, देवराई का युद्ध, देवराई जो है राजस्थान में पड़ता है और यह युद्ध जीत जाता है कौन? औरंगजेब। यह युद्ध भी जीत जाता है औरंगजेब, ठीक है। किशन कुमार कितने दिनों से चल रहा है क्लास? बेटा जब से तुमने पढ़ाई शुरू की तब से चल रहा है, ठीक है। और बताओ, गधे कहीं के, यहां पे जो क्लास हो रही वो नहीं पढ़ते। नौटंकी, कितने बड़े नौटंकी बाज हो तुम सब। कमेंट, फालतू टाइम, वो दिमाग कंटेंट पे नहीं लग। हेलो हेलो। चलिए, उम्मीद करते सब बच्चों को वॉइस अब क्लियर आ रही होगी, है ना? चलो, वॉइस क्लियर आ रही होगी। मैसेज कर करके रिकॉर्ड तोड़ देते हो, हाँ, काट डालते हो, कहते हो हम मार डालेंगे सर जी तुम्हें अगर तुमने अगर कहीं से भी धोखा दिया मेरे साथ। वॉइस चली गई, उड़ाक फेंक के हूं। चलो, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई कि औरंगजेब इस भी युद्ध को जीत जाता है। और दारा सिखों के बारे में बस इतना ही कहना चाहते हैं, दारा को अंतिम बार पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद दारा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, दारा को भाई साहब मृत्युदंड दे दिया जाता है, ठीक है। तो भाई साहब जब मृत्युदंड दे दिया जाता है उसके बाद क्या होता है? औरंगजेब इतना निर्दयी व्यक्ति था, उसने भाई साहब दारा सिखों के दोनों पुत्रों के कटवा दिए, मांस के टुकड़ों को भाई साहब खिलवा दिए, मांस के टुकड़ों को खिलवा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा मामला क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो उम्मीद करते एक एक प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। चलिए, शिवम शिवा, कितना टॉपिक कवर करना है आज? आज पूरा जान जाएंगे टॉपिक कि भाई साहब रोटियां कहां तक का बनेंगे, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद भाई साहब देखो बहुत ध्यान से, इधर हमने जान लिया सामूगढ़ का युद्ध, इधर देख लिया देवराई का युद्ध,
औरंगजेब 1658 ईस्वी में गद्दी पर तो बैठ गया था, बट अगर देखा जाए तो कैदे से वो गद्दी पर बैठा, कैदे से बादशाह बना, मुगल साम्राज्य का शासक बना। वो किस तरह से बना? वो इस तरह से बना कि जब वो देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में जीतता है, उस प्रकार से तब से, क्योंकि जब दारा सिंह को हार गया पूरी तरह से काम खत्म। सूरज कुमार पटेल, ज्योग्राफी क्लास अब नहीं चलेगी? नहीं चलेगी बेटा, तुम जो बोलोगे वही मैं बोलूंगा, ठीक। गधे हिस्ट्री पढ़ लो, वो नहीं पढ़ लो, ज्योग्राफी आएगी भी, पॉलिटी आएगी, कभी कौन सा क्लास चल रहा है, फालतू का डिस्टर्ब करते हो, बहुत डिस्टर्ब करते हो कसम से। अब वही वाला हाल है, कुछ दिन क्लासेस रोकनी पड़ेंगी तभी आना पड़ेगा मैं, ठीक है। चलिए फिर बात समझ लिया, ये दो युद्ध हुए। अब इन दो युद्धों के बाद क्या हुआ? इन दो युद्धों के बाद क्या हुआ कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब था, इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और याद रखिएगा, राज्याभिषेक क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इसने अपना राज्याभिषेक कितनी बार करवाया? दो बार। और दोनों बार कहां पे करवाया? दिल्ली में। दोनों बार दिल्ली में करवाया किसने? औरंगजेब ने। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सुनाई नहीं दे रहा यार, यार क्यों नहीं सुनाई दे रहा भाई? वॉइस अब तो वॉइस क्लियर हो रही है सर, जरा चेक करिए मोबाइल में चला के, इन लोगों को वॉइस ही नहीं क्लियर होती, फालतू को परेशान करते हैं। राहुल कुमार, पॉलिटी पढ़ाई है सर, पॉलिटी पढ़नी बेटा त्रिशूल बैच ज्वाइन कर लो जाके, वहां पढ़ लो जाके, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक आपको पता होना चाहिए कितनी बार औरंगजेब ने कराया, तो याद रखिएगा दो बार, ठीक है। कहां पे कराया? तो याद रखिएगा दिल्ली में। इसका राज्याभिषेक दो ही बार हुआ, कहां पे हुआ? दिल्ली में हुआ। अब सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था जिसका नाम था वीणा। तो वीणा कौन बजाता था भाई साहब? औरंगजेब बजाता था, औरंगजेब वीणा बजाता था, यह प्रश्न भी भाई साहब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात समझो बहुत ध्यान से, क्या समझोगे भाई साहब? इसने और क्या क्या काम किए? इसने टोटल 12 आदेश जारी किए। कितने आदेश जारी किए? 12 आदेश जारी किए। किसने? औरंगजेब ने 12 आदेश जारी किए। और वो 12 आदेश क्या क्या थे तो देखते चलते हम लोग। पहला जो आदेश था, एक प्रकार से नवरोज पर रोक लगाई, नवरोज उत्सव पर रोक। तो नवरोज उत्सव हमने पहले बताया था भाई साहब, नवरोज उत्सव जो था वो पारसी धर्म का था। किस धर्म का? पारसी धर्म का। और पारसी धर्म का था ये, और उससे भी बड़ी बात कि ये पारसियों का जो नवा साल होता था उस तर्ज पे ये लोग नवरोज उत्सव को मनाते थे, और ये शुरुआत के 9 दिन व्रत रहते थे, तो वो होता था नवरोज उत्सव। क्लियर है? अगला, इसने और काम किया, होली और मुहर्रम पर भी रोक लगाई, होली और मुहर्रम पर भी रोक लगाई, होली और मुहर्रम पर भी रोक लगाई। किसने? औरंगजेब ने। क्लियर है? फिर यहीं पे प्रश्न बहुत प्यार से याद रखिएगा, जबरदस्त तरीके से, नवरोज उत्सव पर रोक लगाया, होली मुहर्रम पर रोक लगाया, साथ में इसने नशीले पदार्थों पर रोक लगाया, नशीले पदार्थों पर रोक लगाई। किसने? औरंगजेब ने। तो नशीले पदार्थों पर रोक किसने लगाई? तो औरंगजेब ने लगाया। होली मुहर्रम पर रोक किसने लगाई? औरंगजेब ने लगाया। नवरोज उत्सव पर रोक किसने लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। इतनी बात पता चल गई आपको, ठीक। अब बहुत ध्यान समझिएगा, इसने 80 करोड़ पर रोक भी लगाई। इसने एक काम और किया, इसने टोटल 80 करोड़ पर रोक लगा दिया, 80 टैक्स पर रोक लगा दिया। और वो 80 टैक्स में जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, एक का तो नाम है राहदारी, राहदारी,
एक का नाम है भाई साहब राहदारी। अब राहदारी क्या होता है? राह मतलब रास्ते पे चलने वाला। तो सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, राहदारी का मतलब होता है जो भाई साहब टोल टैक्स लगता है। टोल टैक्स का मतलब जैसे आप रोड पर जाते हो तो जब बड़े बड़े शहर में भाई साहब पहुंचते हो तो वहां पर क्या होता है कि जब आप अपनी गाड़ी क्रॉस करते हो तो एक प्रकार से आपको हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो उसको कहते हैं भाई साहब टोल टैक्स। और ये टोल टैक्स जो होता है उसको राहदारी के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में जैसे राहदारी बोलते हैं, उस समय हम इसको बोलते थे क्या भाई साहब? उस समय इसको बोलते थे टोल राहदारी, और उस प्रेजेंट टाइम में बोलते इसको हम लोग टोल टैक्स। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर याद रखिएगा जो इसने अगला टैक्स लगाया उसका नाम रखा पिंडारी टैक्स। वो था पिंडारी टैक्स। पिंडारी टैक्स पर भी इसने रोक लगा दिया। अब मतलब लोगों को पिंडारी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कुछ अच्छे कार्य थे इसके। जैसे पिंडारी टैक्स क्या होता, तो बात समझ ला। आपको पता है जब पित्र आ जाता है, ठीक है, पित्र आ जाता है जिसमें पूर्वजों को भाई साहब जल दिया जाता है, ठीक है, जल दिया जाता है आपको पता है, तो उसी प्रकार यहां पे पिंडों का दान होता था। तो जो पिंडों का दान होता था एक प्रकार से जो 100 होते थे 100 पर टैक्स देना पड़ता था। मतलब कोई भी डेड बॉडी है अगर आप उसको ले जा रहे हो, आप उसको ले जा रहे हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार भाई साहब ये था पिंडारी टैक्स। तो आपको राहदारी भी पता चल गया, आपको पिंडारी टैक्स भी पता चल गया। और फिर अब यहीं पे याद रखिएगा एक टैक्स और लगता था कि अगर हिंदू घर में बालक का जन्म हो गया, किसका जन्म हो गया हिंदू घर में, धर्म में या हिंदू घर में बालक का जन्म होने पर टैक्स भी पड़ता था। हिंदू घर में बालक का जन्म होने पर भी टैक्स पड़ता था, ठीक, उस पर भी रोक लगाई। तो इस प्रकार 80 करोड़ पर जो रोक लगी उनमें से ये तीन प्रमुख है, एक राहदारी, एक पिंडारी टैक्स और एक हिंदू घर में बालक का जन्म होने पर। क्लियर है? तो उम्मीद करते इतनी बात आपको बड़े दिलो दिमाग में उतर। दो बार इसने राज्य अभिषेक इसने दो बार करवाया, ठीक। और ये इतना डरता था, सोचता था कि भाई साहब हमारे बाद हमारे लड़के हमको मार के बैठ जाएंगे, शासन करेंगे। तो इसकी 5 संतानें थी। कितनी संतानें? इसकी टोटल जो संतानें थी, याद रखिएगा, टोटल थी 6, जिसमें 5 बेटे थे और एक बेटी थी। 5 बेटे एक बेटी, भाई साहब सबको इसने क्या करवा लिया? सबको इसने कैद करवा लिया। किसने? भाई साहब औरंगजेब ने अपने ही 5 पुत्र तथा एक बेटी को कैद करा लिया। क्लियर है? तो याद रखिएगा सिर्फ डर के पीछे। और औरंगजेब के बारे में एक सबसे बेहतरीन चीज आपको पता ही होगा। क्या पता है? तो मैं बता दे रहा हूं, मुगल साम्राज्य में एक बेहतरीन चीज आपको यह देखने को मिल रही है कि पहला सम्राट जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया, और दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक जिसने एक बार थट्टा नामक स्थान पे, एक दिल्ली नामक स्थान पे 2 बार राज्याभिषेक फिरोज तुगलक ने करवाया था। और इसका भी आपको पता चल गया अच्छे से, एक एक चीज पता चल गई। तो उम्मीद करते भाई साहब इतनी बात दिलो दिमाग में उतर गई होगी। हाँ, लाइक शेयर भाई मारते रहो, ठीक है। चलिए, औरंगजेब जो था हिंदू धर्म में तो भाई साहब एक प्रकार से धार्मिक धर्म का विरोध करता ही था, और ये मुस्लिमों को भी नहीं बख्शता था, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। अब एक चीज सबसे बड़ी चीज बता दूं मैं आपको कि क्या हुआ करता था। मुगल सम्राट के जितने भी बादशाह बने, जितने भी शासक बने, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मार कर बैठा हो,
भाई साहब जितने भी बादशाह जितने भी शासक बने सारे के सारे ऑटोमेटिक बैठ रहे थे, ये नहीं कि किसी को मार देते थे। लेकिन औरंगजेब पहला ऐसा मुगल सम्राट था जिसने अपने बाप शाहजहां को अपनी कैद में कर लिया था, और शाहजहां को जब अपनी कैद में कर लिया था उसके बाद शाहजहां की क्या हो जाती है, 74 वर्ष की अवस्था में 1666 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार मुगल सम्राट का पहला शासक जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की उसका नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में इतनी बात समझ में आ गई होगी। श्रियांका पांडे आवाज ही नहीं आ रही आपकी सर जी, दुनिया को आवाज आ रही आपको आवाज नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आप पढ़ना ही नहीं चाहती। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फटाक से भाई साहब वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, फिर बात करते हैं। ठीक है, चलिए लाइक शेयर कर लो भाई साहब फटाफट। फटाफट भाई साहब लाइक शेयर दबा देना, फिर बात करते हैं आगे की तरफ एक जबरदस्त अंदाज में। ठीक है, तुम्हारा लाइक शेयर ये हमें क्या करता है, उत्साहित करता है भाई साहब। तुम्हारा लाइक शेयर भाई साहब ही उत्साहित करता है। चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त मेरे बच्चे, सब बात समझ में आ रहा। पूजा पासवान आप दिल्ली से हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, नमस्कार सर आपको, थैंक यू बेटा। रितु सिंह सर मैंने बहुत क्लास किया बट सर आपके जैसा नहीं मिला अभी तक, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। ठीक है, चलिए तुम्हारा सबका इतना प्यार है, सपोर्ट है, तो भाई साहब निश्चित है यार मुझे किस बात का था। याद रखिएगा, सपने देखने के लिए नींद की जरूरत होती है, सपने देखने के लिए नींद की जरूरत होती है, परंतु उनको साकार करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। भाई साहब सपने देखने के लिए निन्ना की आवश्यकता होती है, जो मम्मी हमें लोरी सुनाती थी फिर हम सो जाते थे, फिर देखते थे मेरी एक परी होगी, मेरी राजकुमारी होगी। बहुत सपने देखे हो तुम लोग, अब भाई साहब कुछ जरूरत है, राजकुमारी को अगर पाना है तो राजकुमारी के लिए कुछ भाई साहब करना भी तो पड़ेगा, नौकरी वोकरी पानी पड़ेगी तभी तो तुमको राजकुमारी मिलेगी। ठीक है, वरना प्रजा मिल जाएगी। तो अगर राजकुमारी पानी है तो भाई साहब मेहनत करो। ठीक है, ये कह रहे सर आप में पहले जैसा जोश नहीं दिख रहा, माल डालो मेरी जान ले लो भाई साहब, यह है मारो चाकू जोश निकल आएगा। यार जैसे लगता है जोश हम यार रख के लाई थे सीना में, लो निकाल लो, पूरी नरी का आवाज निकल आवा था, पूरा हमारा नटुआ जो है ना फाट जावा था, नटुआ ये इका का हमारे गांव बोला था नटुआ, और कहा था ना औ नरित बोल लो, तो भाई साहब पूरे नरित आवाज निकल रहा होता, लेकिन तुम्हारे खातिर जोश कम है। हाउ इज द जोश, नथिंग, व्हाट इज दिस। अरे जितना पढ़ा रहे भाई साहब वो पढ़ो यार, है कि नहीं। चलो जबरदस्त मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया जबरदस्त मेरे लल्ला मेरे बच्चे। सर जी आपने पढ़ाना कहां से सीखा, अच्छा पढ़ाते हो हम भी पढ़ाएंगे, पढ़ा बच्चा पढ़ा मेरे बच्चा, सब बस देखो मजा सबको आती है। सर जी आप मौजियल बहुत हो, कही तो रहे हाँ गौरव हैंडसम, देखो गौरव हैंडसम कर रहा है राजकुमारी के लिए पढ़ रहे हैं, अभी तो अपने आप अपने नाम के आगे हैंडसम लगा रहे हैं, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो स्मार्टी वाली जो राजकुमारी होगी ना वो नहीं मिली होगी, जो क्यूटी पाई वाली बैठी होगी ना किसी कोने में तो भाई साहब वो तभी मिलेगी। ठीक है, जिसके लिए तुम्हें रात दिन तपना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं सपने देखने के लिए
नींद की आवश्यकता है, और भाई साहब उन सपनों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। तो बात करते हैं आगे की तरफ, कूच करते हैं, देखते हैं आगे मामला क्या है। यस, रीजनिंग भी तो पढ़ाई थी भाई साहब, नहीं पढ़ाई थी, पढ़ाई थी। अच्छा, सबकी लाइफ के हम सबसे बेस्ट टीचर बन गया, इतना प्यार बरसा रहे हो, देखे रहे ना भाई साहब, फ्लो ना मार जाए, ओवरफ्लो हो जाए, नदियों में चला जाए हमारा प्यार, ठीक है। तो हमारा तुम्हारा प्यार भाई साहब बस दिल की गहराइयों में छुपा रहना चाहिए। चलिए, मजा आ रहा है सब बास मेरे बच्चे। आकांक्षा सिंह, मम्मी पापा के लिए भी पढ़ो। अब बेटा तो ऐसा बताओगी, सब बच्चे ऐसा ही बोलते हैं, मम्मी पापा मम्मी पापा, रियलिटी तो कुछ और होती है। नौकरी पाने की चाहत प्रेजेंट टाइम में क्या है, दुनिया को दिखाना है। कोई ये नहीं कहता कि मैं मम्मी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं पापा के लिए पढ़ रहा हूँ, उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ। नाम तो रोशन होता ही, लेकिन सबसे बड़ी भाई साहब होती है चचेरे भाई को, चचेरे चाची को, मौसेरी मौसी को, सबको भाई साहब दिखाना होता है, और उस दिखाने के चक्कर में भाई साहब मामला बिगड़ जाता है, ठीक है। और जितनी भी राजकुमारियाँ हैं उनको भी मैं बता दूँ, अगर आप पढ़ रही हैं बिटिया तो आप भी अच्छे से पढ़ाई कर लो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है ना कि भाई साहब दहेज प्रथा नामक तो एक बीमारी है ही है जो शुरुआत से चली आ रही। तो हमारा मानना है कि भाई साहब अगर आप पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी पा जाते, दहेज रत्ती भर मत देना और दहेज ऊपर से ले लेना, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि पूरे जीवन की कमाई जो नौकरी पाई हो बेटी तुम, वो मम्मी पापा की वजह से पाई हो, उसमें तुम्हारे पति का कोई हक नहीं, समझ रहे हो? वो सारा का सारा पैसा तुम मम्मी पापा को दे देना, क्योंकि भाई साहब उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च किया था। मेरा तो मानना यही है, अगर बिटिया नौकरी पा रही है तो बिटिया की नौकरी में योगदान किसका है? भाई साहब मम्मी पापा का है, पढ़ाया तो उन्होंने ना। जिस प्रकार जब वो अपने मानती कहती हैं मुझे बेटे की तरह मानो, तब वो क्यों नहीं कहती हैं कि मैं नौकरी पा गई हूं, बेटे की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी, नहीं करती है। समाज ही गंदा हो चुका है भाई साहब। तो इसीलिए कहना चाहते हैं किसी दिन बात करेंगे बेहतरीन टॉपिक पे। चलिए फिर बात करते हैं अच्छे ताबड़तोड़ तरीके से। फिर इसने क्या किया भाई साहब, उन कानूनों में एक कानून था झरोखा दर्शन पर रोक। मेरे अखियों के झरोखे वाला गाना है ना, झरोखा दर्शन पर रोक। किसने लगाई झरोखा दर्शन पे रोक? तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। धमाका म्यूजिक कह रहे हैं मैं बीबी के लिए पढ़ रहा हूं, उनको पढ़ा, उनको बीपीएससी की तैयारी करवानी। भाई साहब धमाका तुम बैठ जाओ, बीबी को लगाओ, बीबी पढ़ेगी तब बढ़ेगी, ठीक है। तुम बीबी को पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, क्या बात है, जबरदस्त। झरोखा दर्शन क्या होता है भाई साहब, पता है? नहीं पता है तो जान लो, सुबह के वक्त बादशाह के दर्शन। औरंगजेब ने इस पर रोक लगवा दी थी, अब लेकिन पेपर में प्रश्न आता है, मैंने अकबर के बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि अकबर भाई साहब बहुत बड़ा टॉपिक है, वो थोड़ा सा मिस है, इसलिए क्योंकि भाई साहब तुम लोग प्यार नहीं देते हो ना, सपोर्ट नहीं करते हो। चलिए, तो झरोखा दर्शन को शुरू किसने किया था? तो याद रखिएगा, झरोखा दर्शन को शुरू करने वाला बादशाह है जिसका नाम है अकबर, ठीक है। चलिए, रंजन सिंह सर आप दहेज लीजिएगा कि नहीं? मतलब भाई साहब लौट फिर के हमें पता था मेरे ऊपर तुम टोपी डालोगे जरूर भाई साहब। देखो सिंपल सी बात बता रहे बहुत अच्छे। अब पता लगा भाई साहब किसी तुम फैशन डिजाइनर से शादी करने जा रहे हो, उसके भाई साहब जो लाली लिपस्टिक बहुत महंगी हो, एक प्रकार से उसका जो श्रृंगार है बहुत महंगा हो। अब हम कहें भाई साहब 1,000 की साड़ी खरीद लो, कहेंगे नहीं 20,000 की साड़ी खरीदेंगे, तो भाई साहब माफी चाहते हैं हम। इतना अगर महंगा तुम्हें करना हो तो अपने पिताजी से पैसा लेकर भाई साहब अपने शौक को पूरा करो, हमारी जितनी औकात हम उतना कर पाएंगे। अपने पिताजी से लेके भाई साहब अपना तुम जमा कर लो, हम दिवालिया नहीं होना चाहते, हम सुखी परिवार जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं। तो
तो इसीलिए अब आपको पता चल गया होगा परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, ठीक है, बहुत प्रतिकूल भी है। चलिए, इतनी बात पता चल गई, झरोका दर्शन का मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सपर्ट क्लास एजुकेशन यूट्यूब पर सर आप लूसेंट का इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस, अच्छा सब तो तुम सब्जेक्ट लिख दियो, बच्चा का है, मैं ये बताओ का हम नहीं पढ़ाएंगे ये बताइए, ठीक है। सीलू तिवारी बेटा अकबर के बारे में पूरा डिटेल बैच में ही मिलेगा, ठीक है, बैच में मिल जाएगा आपको। चलिए, अनामिका तिवारी बेटा ये बात मत बोला करो, देखो जितना कंटेंट उतने समय में दे देता हूं भाई साहब, आप फिर से देखना जाके, कहीं पर भी मिल जाए तो बताना आगे में, ठीक है। चलिए फिर याद रखें, तुला दान पर रोक, घर में बैठे बैठे भाई साहब तुमको क्या बोल देना, कमेंट लिख देना है कि नहीं, और जितना तुम निगेटिव कमेंट करोगे उतना मैं बात करूंगा, ठीक है, इसीलिए हमको डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, स्वयं शिवा सर टॉपिक पर फोकस रखिए, बेटा क्या तुम्हारी जिंदगी भी फोकस कर रहे हैं हम क्या, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तुलादान पर रोक, तुलादान क्या होता था पहले ये समझ लो। तो भाई साहब याद रखिएगा, जैसे गरीब लोग आके गरीब लोगों को आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, उनको चाहिए, तो अकबर ने एक प्रकार से तुलादान चालू किया था। तुलादान स्टार्ट किया था किसने, अकबर ने, और उस पर रोक किसने लगवा दी भाई साहब, औरंगजेब ने। तुलादान होता क्या था भाई साहब, इसके तुलादान मतलब तराजू, दो पलड़े होते थे, एक तरफ बैठता था, एक पलड़े में बैठा था भाई साहब, एक तरफ कौन बैठता था, राजा, और दूसरे पलड़े में भाई साहब जितना भारी राजा उतना यहां पे धन मुद्रा सब पूरा लादा जाता था, मतलब राजा के वजन के बराबर धन लादा जाता था, और जो ये धन होता था इसको बांट दिया जाता था, इसी को कहते भाई साहब तराजू, तुला मतलब तराजू में तौल के दाम दे देना, ठीक, यही कहलाता था तुलादान। और तुलादान की व्यवस्था स्टार्ट किसने की थी, ये की थी अकबर ने, रोक किसने लगाई, औरंगजेब ने। तो इतनी भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, हर एक चीज यार प्यार से समझते रहो, और क्या चाहिए। फिर देखो अकबर ने औरंगजेब ने और क्या किया, इसने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया, इसने पुनः जजिया कर लागू किया, किसने, औरंगजेब, ठीक। और सिंपल सी बात है, किस सन में, 1679 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में। और जो जजिया कर होता था वो भाई साहब किससे लिया जाता था, तो आप सबको पता है वो मूर्ति पूजकों से लिया जाता था। मूर्ति पूजक का मतलब क्या होता है, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हो जैसे आपको कहने का मतलब है भाई साहब कि मूर्ति पूजक का मतलब है जैसे जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं उनको हटा दो, उनके अलावा जितने भी भाई साहब एक प्रकार से मूर्तियों की पूजा करते हैं उनको कहते हैं मूर्ति पूजक, उन्हीं से जजिया कर वसूला जाता था। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जजिया कर पर अभी रोक जो लगा दी थी वो और अकबर ने लगा दी थी, अकबर ने भाई साहब इस पर रोक 1564 ईस्वी में लगा दी थी, उसके बाद इसने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। और औरंगजेब के समय में कई सारे विद्रोह हुए, सिखों के विद्रोह हुए और जाटों के विद्रोह हुए, और सबसे पहला विद्रोह पश्चिमों उत्तर भारत में हुआ जो यूसुफजई कबीले के द्वारा था, और शिवाजी के एक प्रकार से इसके औरंगजेब के पुत्र जिसका नाम था अकबर द्वितीय था, उसने भाई साहब विद्रोह किया, ठीक है। तो इस प्रकार एक पेपर में प्रश्न आता भाई साहब इसका पुत्र कहाँ चला गया, तो चीन भाग कर चला गया, और इसने जो था गुरु तेग बहादुर, नवे गुरु जो सिखों के थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से, इसने
सिखों के नवे गुरु, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर। पांचवे गुरु अर्जुन देव को भाई साहब जहांगीर ने, ठीक है, तेग बहादुर को इस्लाम धर्म, तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण, इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण, करने के कारण मृत्युदंड दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। और आपको पता होना चाहिए भाई साहब, इसका विरोध भी हुआ। तो याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत प्रश्न आता है कि सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, तो नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर। किसने भाई साहब? तो उसका नाम था औरंगजेब। क्लियर है? फिर याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझो। इसका विरोध भी हुआ, तो इसका विरोध किसने किया भाई साहब? अगले गुरु कौन होंगे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम एवं दसवें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने कई सारे सिखों को इकट्ठा किया और उसके विरोध में एक विरोध कराया, कहलाया, जिसको कहते हैं सिखों का विद्रोह। और ये सिखों का विद्रोह किसके प्रति मिला भाई साहब? औरंगजेब के प्रति। और ये किस वर्ष हुआ? तो 1675 ईस्वी में हुआ, 1675 ईस्वी में हुआ। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा दिमाग में। और देखो, 1000 लाइक होने में बस थोड़ी सी संख्या बची है, तो फटाक से सभी बच्चे 1000 लाइक पूरा कर दें, ठीक है। खुशी पांडे, आज पहली बार आप हमें लाइव देख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चले, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप पहली बार हमें लाइव देख रही हैं और पहली बार आपका नाम पढ़ने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है। चले भाई साहब, इसी प्रकार कई सारे विद्रोह थे। जाटों का विद्रोह है जो पेपर में आता है, और पश्चिमोत्तर भारत में विद्रोह है, और जोधपुर का विद्रोह है, मेवाड़ का विद्रोह है, आमेर का विद्रोह है। तो एक प्रकार से औरंगजेब के प्रति कई सारे विद्रोह बन गए। इसने कई मंदिरों को तोड़ा, जैसे मथुरा, बनारस, ठीक है, सोमनाथ, सारे मंदिरों को इसने तोड़ा था। किसने? औरंगजेब ने। तो इस प्रकार ये सारे के सारे भाई साहब प्रश्न समझ में आपको आते होंगे, समझ में आ गए होंगे। फिर और यहीं पे चूड़ामन ने एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना भी की थी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा, समझ में, ठीक है। चलिए, तो फटाक से इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे। निखिल सैनी, फिनिक्स अकेडमी, जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, फिनिक्स अकेडमी, जिंदाबाद, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे, लाइक तो तुमने खलास कर दिया, क्या बात है। युवराज सिंह, गुरुजी हम लोग आपका डिमांड पूरा कर रहे हैं, जैसा लग रहा है रिश्वत मांग रहे हैं, हमारा डिमांड पूरा कर रहा है, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, ऐसा बताओगे? डिमांड पूरा मतलब डिमांड हम करवा रहे हैं? अरे यार, नाक कटवा दो। हालांकि सीआईडी में नहीं पकड़ा जाएगा तो पक्का पकड़ जाऊंगा मैं। चलिए, बहुत बढ़िया, कोमल सिंह चौहान, आपका भी नाम ले लिया बिटिया, खुश रहो, ठीक। खुशी पांडे, सर मैं रोज आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, आप जैसा टीचर नहीं मिला बेटा। धन्यवाद, सबका प्यार, आप सभी माता पिता का आशीर्वाद है कि आप जैसे माता पिता जो जिनसे आप पुत्रियाँ हैं उनका भी आशीर्वाद है भाई साहब। उनके आशीर्वाद के बिना ये संभव ही नहीं हो पाता कि मैं आपके बीच आ पाता और आप जैसे इतने सिंसियर बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका तक मिलता, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, वैष्णवी अग्निहोत्री, मेरा बेटिया बहुत अच्छा काम कर रही है, जबरदस्त। बस उस पल का इंतजार है मेरी भाई साहब, मेरे बच्चे, जिस दिन यहाँ पे तहलका मचेगा
और हजारों में भाई साहब पढ़ रहे होंगे, हजारों में पढ़ रहे होंगे, और तब तुम कह रहे होगे सर हमने आपके लिए वो काम कर दिया जो आप भाई साहब बचपन से सपना देखे थे। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और डे अभी भाई साहब सबसे बड़ी बात बता दे, आज से शुरू हो रहा है 100 दिन का महाभारत, जहां पे भाई साहब लड़ाइयां चली थी, तलवारें चली थी, महाभारत करने आ रहे हैं भाई साहब, डोले सोले बनाते हुए अम्बुसर 8-15 पे आज से चालू करेंगे आपका महाभारत। आपको पता है इंट्रोडक्शन तो शनिवार को दिए ही थी ना, आज फिर भाई साहब उन्होंने इतनी बॉडी बना ली है कि भाई साहब सारी शर्टें फट चुकी हैं। तो कहने का तात्पर्य है 8:15 मैथ की क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और मैथ की क्लास टाइप वाइज होगी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। कितने बजे से भाई साहब? 8:15 PM 8:15 से मैथ की क्लास लाइव होने जा रही है, तो याद रखिएगा ठीक है। 100 दिन का टारगेट है। और सबसे बड़ी बात बता दे, जिन बच्चों ने त्रिशूल बैच भी नहीं ज्वाइन किया है वो इस नंबर पे कॉल करके त्रिशूल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए जबरदस्त, क्या बात है, सब बच्चे भी भाई साहब मैथ की क्लास में आएंगे और अमृतसर का उत्साह बढ़ाएंगे। आज मैं कह रहा हूं एक बार यहां बच्चा जो जो मैथ की क्लास में आ गया भाई साहब, इससे बढ़िया मैथ कहीं नहीं मिलने वाली, इससे बढ़िया मैथ कहीं नहीं मिलने वाली, केवल एक बार देख लेना, अपनी तैयारी में 4 चांद क्या 10 चांद लगा जाएंगे भाई साहब। चलिए प्रीति कुमारी आप भी हमारी बिटिया हैं, क्या बात है। देखो भाई साहब बिटिया का मतलब उस तरह नहीं है बेटा, हम पता है थोड़ा सा एक प्रकार से इसका समझना बहन के उच्चारण में मैं प्रयोग करता हूं और सारी चीजें मुझे बहुत पॉजिटिव लेता हूं, तो उनको मैं उस वे में कह देता हूं। बाकी किसी के भी माता पिता कोई बुरा मत माने, सारी मेरी बहनें हैं उनकी, इसीलिए उनको बिटिया बहन मैं जो भी मुझे उचित लगता है मैं कह देता हूं ठीक है। चलिए अब आपको पता होना चाहिए भाई साहब 20 फरवरी औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो 20 फरवरी 1707 ईस्वी में ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है ठीक। और मृत्यु होती कहां है तो याद रखिएगा अहमदनगर, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है भाई साहब महाराष्ट्र में ठीक। और एक बीबी का मकबरा भी बनवाया था अहमदनगर में, किसने भाई साहब? वो बनवाया था औरंगजेब ने। और बीबी का मकबरा का मतलब भाई साहब जो था ना वो एक प्रकार से जबरदस्त तरीके से था रबिया तुरानी का। चलिए तो उम्मीद करते हैं सब बच्चों ने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मजा आ गया ठीक है। अब तो पेट क्वालिफाई हो जाएगा, सब कुछ भाई साहब हो जाएगा ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। एक क्वेश्चन पूछिए सर, चलिए एक क्वेश्चन पूछे ले रहे हैं, बताना मेरे बच्चे। बहुत प्यार समझना, बहुत ध्यान से जो प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जब समाप्त हो जाए वीडियो, और साथ में आपको भी बताना है क्लास कैसी लगी, औरंगजेब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रश्न देखिएगा क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है, जबरदस्त तुम्हें मजा आ जाएगा। जब वेन सॉन्ग नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे तब वहां के आचार्य कौन थे, वहां के आचार्य कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और भाई साहब रिव्यू बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और साथ में आज भाई साहब जबरदस्त तरीके से मैथ की महाभारत, 100 दिन का महाभारत है,
8:15 पे चालू होने वाला है और सब बच्चे तुरंत भाई साहब मुंह कर जाएं, मैथ की क्लास में शेड्यूल लगा है और जाके ताबड़तोड़ लाइक ठोक दें, ताबड़तोड़ भाई साहब एक संख्या में आ जाएं। बहुत ही तांडव करेंगे अम्मू सराज, तो देखना मजेदार सेशन होगा। तो साथियों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए जोश उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।